अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम ये हेलो किटी बेबी शूज़ बनाना सीखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे हैं। ये आज हम 0 to 3 months बेबी के लिए बनाएंगे, ठीक है। हाँ, ये मैंने किरानी भी बनाई थी, अगर आप चाहें तो इसका स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आगे आपको बताऊँगी। और यहाँ पर ये बटन यूज़ किए थे, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने 4-ply वूल यूज़ किए, और यहाँ पर ये मैंने क्रोशिया हुक यूज़ किया था, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 3.0 mm का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये निडर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये यार्न मैंने इसके लिए यूज़ किए हैं, ठीक है। 4-ply हैं ये सारे, ठीक है। और इसके बाद हम इस तरह से एक क्रोशिया की मदद से इस तरह नॉट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। नॉट बना लेंगे यहाँ पे इस तरह, और अब हमने इसको अच्छे से टाइट कर लेना है, और फिर इसको इस तरह से खींचते हुए यहाँ पर हम चेन्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ हमारी टोटल 9 chains बनेंगी इस तरह से, ठीक है। ये देखिए 9 chains कंप्लीट की। फर्स्ट चेन स्किप करेंगे और सेकंड चेन में क्रोशिया पे बल देते हुए चेन में डालेंगे, और इस तरह देखें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। ये देखें 3 loops में से निकाला, अगेन इसमें डाला, और फिर से 3 loops में से निकाला, तो यहाँ हमारे 2 half double क्रोशिया बनेंगे, ठीक है, इस तरह। और अब हम लास्ट चेन को छोड़ेंगे, और अपनी ऑल चेन्स में हम ईच चेन्स में हम 1 half double क्रोशिया कंप्लीट करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखें इस तरह हम 1 half double क्रोशिया कंप्लीट करेंगे इस तरह, अपनी चेन्स लास्ट चेन को छोड़ते हुए, ठीक है। इस तरह ये देख सकते हैं आप 6 half double क्रोशिया यहाँ हमारे बनेंगे। और अब हमने यहाँ लास्ट में जो चेन छोड़ी थी उसमें हम इस तरह से 1 half double क्रोशिया बनाएंगे। सेम चेन के अंदर हम 5 half double क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसको मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। 5 के देखें इस तरह यहाँ हमने कंप्लीट किया। अब हमने यहाँ पे अपोजिट साइड पे देखें इस तरह से 1 half double क्रोशिया बनाना है। यान को भी हम साथ में कवर करेंगे इस तरह से, ये देखें यहाँ 1 half double क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चेन में भी मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे टोटल 6 half double क्रोशिया हमारे कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो ये देखें इस तरह यहाँ पे मैंने 6 half double क्रोशिया कंप्लीट किया। अब हमने लास्ट चेन में, ये जो लास्ट चेन है ना, इसमें हमने 2 half double क्रोशिया बनाना है इस तरह से यान को पकड़ते हुए। ये देखें इस तरह से हम 2 half double क्रोशिया बना लेंगे, और 1 half double क्रोशिया में हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये देखें इस तरह से रिपीट्स की मदद से। और अब हम यहाँ पे इस यान को अगर कट करना चाहें तो कट कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हो तो कट कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने चेन ली, 1 chain ली, और सेम चेन के अंदर 2 half double क्रोशिया हम बना लेंगे इस तरह से। और नेक्स्ट चेन में भी हम फिर से 2 half double क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है, इस तरह। और अब हमने कंटिन्यू जो है अपनी 6 chains में, ठीक है, 1 half double क्रोशिया कंप्लीट करना है। ये देखें इस तरह से 1 half double क्रोशिया हम 6 chain में अपनी कंप्लीट करेंगे इस तरह, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया। और अब हम यहाँ पे ये जो हमने 5 chains बनाई थी, 5 half double क्रोशिया, इनमें हम 1 half double क्रोशिया, ठीक है, 1 chain में 2 half double क्रोशिया इस तरह बनाएंगे, ठीक है। सेम चेन के अंदर 2 half double क्रोशिया बनाया, अब नेक्स्ट चेन में भी फिर से 2 half double क्रोशिया बनाऊंगी। तो टोटल 5 chain में ये हमारे 2 half double क्रोशिया बनेंगे इस तरह। तो मैं 3 chains और कंप्लीट करती हूँ। ये देखें इस तरह ये मैंने कवर किया, ये 5 हो गए। अब यहाँ पे अपोजिट साइड पे हम इस तरह से 1 half double क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से 6 chains में 1 half double क्रोशिया अपने कवर करेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह यहाँ हमने कंप्लीट किया। और अब हम नेक्स्ट 2 chains में 1 chain में 2 half double क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। सेम चेन में हमने अगेन बनाया 2 half double क्रोशिया, और अब हम नेक्स्ट में भी हम 2 half double क्रोशिया कंप्लीट करेंगे इस तरह से। और अब हमने जो 1 half double क्रोशिया था उसमें हम इसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। और अब हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हुआ। थर्ड राउंड 1 chain लेंगे, ठीक है, और सेम चेन के अंदर 1 half double क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, ये देखें। और अब हमने नेक्स्ट चेन में 2 half double क्रोशिया बनाना है इस तरह से, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट चेन में 1 half double क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, इसमें 1 half double क्रोशिया। और अब हम देख, एक मिनट, ये देखें इस तरह से 1 half double क्रोशिया। और अब हम नेक्स्ट में 2 half double क्रोशिया बनाएंगे, ये देखें इस तरह 2 half double क्रोशिया कंप्लीट किया, और ये देखें। और अब हम यहाँ पे कंटिन्यू 7 chains में हम 1 half double क्रोशिया कंप्लीट करेंगे इस तरह से, ये देखें 1 half double क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट चेन में 1 half double क्रोशिया, इस तरह 7 chains हम कंप्लीट करेंगे टोटल, ये देखें इस तरह कंप्लीट किया। और अब ये जो हमारे 2 pairs नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, जो 2 हमने बनाए थे यहाँ 5, तो इसमें हमने इस तरह से बनाना है। देखें इससे इसमें जो पेयर बना हुआ है ना, उसी के ऊपर अगेन हम 2 का पेयर बनाएंगे, ये देखें
और फिर अब हमने एक बनाना है, ठीक है, हाफ रोशा। और अब हमने फिर से ये टू का पेयर आ गया, तो टू के पेयर के ऊपर फिर से टू का पेयर बनाएंगे इस तरह से, टू हाफ डबल क्रोशिया। और फिर से अब नेक्स्ट में हम वन हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और ये देख सकते हैं आप जो टू के बने हुए हैं पेयर्स, उनके ऊपर मैं अगेन मैंने इस तरह से बनाए, ये देखें यहाँ हमने फाइव अपने कंप्लीट किए। अब हम अपोजिट साइड पे फिर से अपने सेवन हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे इस तरह से, ये देखें यहाँ पे हम सेवन चेन्स में वन हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इस तरह, ये देखें ये हमने कंप्लीट किया। और अब हम यहाँ पर आ गए हैं लास्ट में फोर चेन्स, ठीक है। तो फर्स्ट चेन में हम टू हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, ये देखें। और अब हम नेक्स्ट चेन में वन हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, और फिर से हम नेक्स्ट चेन में टू हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और अब हमारी लास्ट चेन है, ठीक है, इसमें हम इस तरह हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया था हमारा, उसमें हम इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे टू चेन्स लेंगे और यहाँ पे क्रोशिया पे बल लेते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमारे बैक लूप है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाली जो बैक लूप है ना, इसमें इस तरह चेन के बीच में डालेंगे, ठीक है, इस तरह से एक लूप में लेते हुए इस तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे टू लूप्स। और फिर टू लूप्स में से निकाला, ये देखें टू लूप्स में से, और फिर टू लूप्स में से निकाला डबल क्रोशिया हो गया। फिर क्रोशिया पे बल लिया, अगेन चेन में डाला और फिर टू लूप्स में से निकाला, फिर टू लूप्स में से। तो इस तरह यहाँ हम डबल क्रोशिया अपने कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बैक लूप पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, अपने पूरे राउंड को इस तरह से कवर करेंगे लास्ट तक। ये देख सकते हैं आप, मैंने ये कवर कर लिया। और अब हम फर्स्ट डबल क्रोशिया में इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये देखें इस तरह स्लिप स्टिच की मदद से ज्वाइन करेंगे। और अब हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लेंगे, ठीक है, ये देखें एक स्लिप स्टिच लेंगे हम। और अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, स्लिप स्टिच लिया और हम यहाँ पे अब वन चेन लेंगे, सेम चेन के अंदर वन हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। और फिर से हम नेक्स्ट चेन में वन हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखें इस तरह। और फिर से हम अब नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, इस तरह। यहाँ पे हमारे टोटल 13 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट किया इस तरह से। और अब हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया टू टुगेदर बनाना है, तो यहाँ क्रोशिया पे बल लिया, नेक्स्ट चेन में डाला, टू लूप्स में से निकालेंगे, ठीक है। और फिर अगेन क्रोशिया पे बल लिया, नेक्स्ट चेन में डाला, टू लूप्स में से निकाला, और फिर थ्री लूप्स में से निकालेंगे इस तरह से। अगेन क्रोशिया पे बल लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे, टू लूप्स में से निकालेंगे, ठीक है। फिर अगेन क्रोशिया पे बल लेंगे, नेक्स्ट चेन में डालेंगे, और फिर से टू लूप्स में से निकालेंगे, ठीक है, और फिर थ्री लूप्स में से। तो यहाँ हमारे टू पेयर्स बने, यहाँ टोटल सेवन पेयर्स हमारे बनेंगे, ठीक है। तो ये देखें इस तरह ये सेवन पेयर्स हमने कम्प्लीट किया। और अब हम यहाँ पर अपोजिट साइड है हमारी, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम हाफ डबल क्रोशिया अपने कंप्लीट करेंगे ऑल चेन्स में, ठीक है। यहाँ हमारी 13 चेन्स होंगी टोटल, तो इस तरह यहाँ हम कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको बताती हूँ, ये देखें ये जो हमारी चेन थी, हमने जहाँ स्लिप स्टिच ली थी, हम इस चेन में बनाएंगे, ठीक है, लास्ट में नहीं, इसमें बनाएंगे, ठीक है, वन हाफ डबल क्रोशिया। और इसमें हम ज्वाइन करेंगे इस तरह, ये देख सकते हैं। फिर हमने ये राउंड भी कम्प्लीट किया इस तरह। और अब हमने यहाँ पर ये देख सकते हैं हाफ डबल क्रोशिया मैंने इसमें बनाया है चेन में, ये देखें। और अब हम यहाँ पे वन चेन लेंगे और यहाँ पे अब हमने टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, ये देखें वन सिंगल क्रोशिया, टू सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट टू चेन में बनाया और फिर से थर्ड में बनाया। तो इस तरह से यहाँ पे हम टोटल 12 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे, ये देखें इस तरह से। और अब हमने यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे जो हमने क्रोशिया पे बल लिया, टू टुगेदर बनाया था, वैसे ही हम यहाँ पे भी बनाएंगे, ये थे क्रोशिया पे बल लेते हुए इस तरह से हमने डाला, नेक्स्ट चेन में से टू लूप्स में से निकाला, फिर टू लूप्स में से निकाला, इस तरह से टू टुगेदर एक टाइम बना लिया, ठीक है, वन पेयर बना लिया। अब अगेन हम एक और पेयर बना लेंगे इस तरह से, डबल क्रोशिया टू टुगेदर, ठीक है, एक और पेयर बनाया, ये देखें। और अब हम इसके बाद एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, इसमें एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। और अब हम अगेन डबल क्रोशिया टू टुगेदर का पेयर बनाएंगे, ये देखें डबल क्रोशिया टू टुगेदर का हम यहाँ पेयर बना लेंगे फिर से, और एक और पेयर हम फिर से बना लेंगे डबल क्रोशिया टू टुगेदर का, ये देखें इस तरह से। और अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। और अब हम यहाँ पे हम कंटिन्यू सिंगल क्रोशिया अपने कंप्लीट करेंगे जो ऑल चेन्स हमारी बची हैं, ठीक है। ई चेन्स पे हम वन सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे, लास्ट तक कंप्लीट करके फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से।
ये देखें यहाँ ये कंप्लीट किया। अब हम इसको यान को ऊपर निकालेंगे और हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और कट करके फिर क्रोशिया की मदद से बैक साइड पे इसको निकालेंगे, ठीक है, इस तरह। अब हम यहाँ पे स्ट्रैप के लिए देखें डबल क्रोशिया जो टू टुगेदर है, उसके बाद हम 5 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं 5 सिंगल क्रोशिया स्किप करके 6th वाले में 6 सिंगल क्रोशिया में मैंने इस तरह से क्रोशिया डालते हुए यान को अपने निकाला। और यहाँ पे 1 चेन लेंगे, सेम चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, ये देखें। और अब हम नेक्स्ट चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो यान है हमारी इसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है, इसमें। तो इस तरह से यहाँ पे हम अपने स्ट्रैप के लिए बनाएंगे। ये बटन का साइड बन रहा है, ठीक है, स्ट्रैप हमारा दूसरे साइड से आएगा। तो इसको हम यहाँ तक देखें, ये जो डबल क्रोशिया टू टुगेदर है उसके बाद 3 सिंगल क्रोशिया हम स्किप करेंगे, बाकी में 4th वाले तक हम इस तरह कंप्लीट करेंगे। और इस तरह कंप्लीट किया और अब हम यहाँ पे चेन्स लेंगे, ठीक है, ये देखें इस तरह यहाँ पे हम चेन्स लेंगे। तो यहाँ पे हमारी टोटल 14 चेन्स होंगी, ठीक है, इस तरह 14 चेन्स। तो यहाँ 14 चेन्स कंप्लीट की और अब हम यहाँ पे 3 चेन स्किप करेंगे और 4 चेन में 1/2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से 1/2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जब आप नेक्स्ट स्ट्रैप बनाएंगे तो उसके लिए आप जैसे मैंने पहले 14 चेन्स लें, आप 14 चेन्स लें और इस तरह से जिस तरह से स्ट्रैप मैं बना रही हूँ 3 चेन स्किप करके अपनी ऑल चेन्स में 1/2 डबल क्रोशिया में बना रही हूँ, इसी तरीके से आप बनाएं। और फिर जहाँ से हमने इसको ज्वाइन किया था वैसे ही हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ लास्ट तक मैं बना लेती हूँ पहले, ठीक है, जहाँ हमने बटन के लिए स्टार्ट किया था, जहाँ से हमने स्टार्टिंग ली थी स्ट्रैप के लिए, तो वहाँ हम इसको ज्वाइन करते हुए स्ट्रैप को फिर ये करेंगे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं 1 चेन लेके मैंने कट किया और क्रोशिया की मदद से जहाँ लास्ट हाफ डबल क्रोशिया था उस साइड से बैक साइड पर निकाला। और अब हम यहाँ पर इसको स्ट्रैप को स्टिच कर लेंगे स्विंग की मदद से और यहाँ पर बटन भी टांग लेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये देखें शूज़ हमारा रेडी है। अब हम ये किटी बना लेते हैं। तो किटी बनाने के लिए यहाँ पे पहले हम इस तरह से एक नॉट क्रिएट करेंगे, ठीक है, ये देखें यहाँ पे एक नॉट लेंगे हम। और अब हम यहाँ पे इस तरह से 5 चेन्स लेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग की हम 5 चेन्स लेंगे और यहाँ पे हम 1 चेन स्किप करके 2nd चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर लास्ट चेन को हम छोड़ेंगे, पहले जो स्टार्टिंग की 2 चेन्स हैं इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट चेन में अब हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। ये जो हमारी लास्ट चेन है मैं आपको दिखा दें, रुके, ये देखें इस तरह, ये जो हमारी लास्ट चेन है ना इसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया अपने कम्प्लीट करेंगे। ये देखें मैं इसमें 3 सिंगल क्रोशिया बना लेती हूँ। और अब हम इस तरह अपोजिट साइड पे आएंगे, ये यान को भी साथ में कवर करेंगे और ये जो हमारा अपोजिट साइड है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया पहले बनाएंगे। ये देखें इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे यहाँ पर। और अब हम लास्ट में आ चुके हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया सेम चेन के अंदर बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। और अब हम यहाँ पर इस यान को, ये देखें इस तरह से हम स्लिप स्टिच की मदद से 1st सिंगल क्रोशिया में इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और अब हमने ये यान को कट भी कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से ये कट किया। और अब हमने यहाँ पे 1 चेन ली, सेम चेन के अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया, फिर अगेन इसी में 1 सिंगल क्रोशिया। अब हमने नेक्स्ट 2 चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है, ये देखें इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट 2 चेन में बनाया। और अब हमने यहाँ पर अगेन ये जो हमारी नेक्स्ट चेन है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है, ये देखें इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाया। और अब हमने नेक्स्ट चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है, इसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और फिर हम नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और अब हम नेक्स्ट 2 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और अब हम ये नेक्स्ट 2 चेन है हमारी, 1st चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और लास्ट चेन में हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से सेम चेन के अंदर 3 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे इस तरह। और 1st सिंगल क्रोशिया में इसको हम ज्वाइन करेंगे, ये जो 1st सिंगल क्रोशिया इसमें हम ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच की मदद से इस तरह से, ठीक है। और अब यहाँ पर हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले 1 चेन लेंगे, ठीक है, और सेम चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, ये देखें इस तरह 6 सिंगल क्रोशिया हम कंटिन्यू रखेंगे, देखें इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है,
नेक्स्ट 6 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया हम कंप्लीट करेंगे अपने इस तरह से, ठीक है। ये देखें 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद, ये देखें 6 कंप्लीट किया। अब हमने नेक्स्ट 3 चेन्स में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। ये देखें नेक्स्ट 3 चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखें इस तरह 2 सिंगल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट में भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अब हम नेक्स्ट 6 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया अपने कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस तरह से इस तरह 6 सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पे अपने कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट किया। अब जो हमारी 3 चेन्स हैं उसमें, ये देखें यहाँ पे जो हमारी लास्ट में 3 चेन्स बची हैं उसमें हम फिर से 2 सिंगल क्रोशिया 3 चेन्स में बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 3 चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया अपने कंप्लीट करेंगे जैसे हमने दूसरी साइड पे किया, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे 3 चेन्स में 2 सिंगल क्रोशिया। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे, ये देखें सिलेबस की मदद से इसको ज्वाइन कर लेंगे। और अब हमारा नेक्स्ट राउंड है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर, ये देखें 1 चेन लेंगे, ठीक है, और सेम चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, 1 एंड 2। और फिर नेक्स्ट चेन में हम नेक्स्ट 4 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया बनाया, अब हम नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ये देखें 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशिया सेम चेन में बनाया और अब हम नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 सिंगल क्रोशिया पहले बनाया, फिर नेक्स्ट में 1, और अब हमने यहाँ पे अपनी 4 चेन्स में, ठीक है, नेक्स्ट 4 चेन्स में हम 2 सिंगल क्रोशिया अपने बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और अब हमने ये बना लिया और अब हम नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। ये देखें इसमें हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाया और अब नेक्स्ट 4 चेन में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1, 2, ठीक है, 3 एंड 4। और अब हम यहाँ पे फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, इस तरह। ये देखें इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अब हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट में, और फिर से हम ये जो हमारी 4 चेन्स हैं इसमें हम 5 है वैसे तो, बट हम पहले 4 चेन्स में अपनी 2 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे इस तरह से। 1 चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट 4 चेन में यही प्रोसेस करेंगे इस तरह से कंटिन्यू। तो यहाँ 4 चेन्स कंप्लीट करने के बाद आपको बताती हूँ, ये देखें यहाँ 4 चेन्स हम कंप्लीट करेंगे और लास्ट चेन है हमारी। अब लास्ट चेन के अंदर हम 1 सिंगल क्रोशिया अपने कंप्लीट करेंगे और अब हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको ज्वाइन करना है इस तरह से, ये देखें इस तरह से फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में ज्वाइन किया। तो यहाँ पे हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये कुर्ती का हमारा फेस रेडी हुआ। अब हम इसके एयर रेडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग कि ये रेडी हो चुका है और अब हमने यहाँ पर इसको कट करना है यान को इस तरह से। 1 चेन लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और अगर आप चाहें तो इसको सुई की मदद से भी आप इसको पीछे इस तरह से अटैच कर सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं, बट क्रोशिया की मदद से मैं इसको पीछे निकाल लूँगी। ये देखें इससे इस तरह बैक साइड पे मैं इसको निकाल लूँगी और आप चाहें तो इसको जैसे मैंने पहले बताया इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारे इधर से आएंगे तो हमारे जो फर्स्ट 2 सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं उसके फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे अपनी यान को, इस तरह से निकालेंगे, फिर 1 चेन लेंगे, सेम चेन के अंदर इस तरह से क्रोशिया डालते हुए निकालेंगे। सही है, हाफ सिंगल क्रोशिया 2 टुगेदर बना रही हूँ इस तरह। यान को भी साथ में कवर किया और ये इस तरह से निकाला और इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा टाइट किया। फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे इस तरह से और एक लूप निकाला और ये जो हमने जहाँ इसको लॉक किया था वहाँ पर हम डालेंगे, ये देखें इस तरह से नेक्स्ट चेन में इस तरह से डालेंगे और फिर से 2 लूप्स में से निकालेंगे। और अब हमने इसको अच्छे से यान को कवर करना है और लास्ट चेन में हम इस तरह से, ये देखें अब हम इधर से एक और चेन इसको कवर करेंगे। तो 1 सिंगल क्रोशिया बनाया अब हमने और अब हम इसको टर्न करेंगे, ठीक है, इस तरह, और 1 चेन लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे 2 टुगेदर बनाना है तो इस तरह से देखें 3 लूप्स हमने लिए,
ठीक है, यहाँ थ्री लूप्स लिए और थ्री लूप्स में से निकाला है सिर्फ फोर लूप्स में से, और इस तरह से वन चेन लेके इसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको स्टिच करूँगी सुई की मदद से, तो मैं इसको कट कर लूँगी। ये देखें इस तरह से, इस तरह से अच्छे से हमने इसको कट किया, इसको सुई की मदद से हम स्टिच करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे ये देखें इस यान को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा नज़र आई थी, तो इसको कट कर लेंगे। और यहाँ पे फोर सिंगल क्रोशिया हम स्किप करेंगे इसके बाद, ठीक है, और फिफ्थ वाले में हम नेक्स्ट ईयर बना लेंगे। ठीक है, इस तरह फिफ्थ वाले में हम नेक्स्ट ईयर बना लेंगे इस तरह से सेम प्रोसेस करके। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने रेडी कर लिया। और अब हमने यहाँ पे जो हमारा फोर प्लाई वूल था उसमें से एक लेयर मैंने निकाल ली थी और ये टू लेयर ली थी, और अब हम इसकी रिबन ये बो बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से एक यहाँ पे हम पहले नॉट लेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह नॉट ली, और अब हम यहाँ पे स्टार्टिंग में थ्री चेन्स लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखें वन चेन लेंगे, ठीक है, फिर टू चेन, थ्री चेन हमने टोटल ली, और सेम चेन में लास्ट की चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया और फिर टू चेन ली, और लास्ट चेन में जो हमने हाफ डबल क्रोशिया आया उसमें हम थ्रिप स्टिच लेंगे, फिर टू चेन्स लेंगे। ठीक, और फिर इसी चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया अगेन बना लेना है, फिर से टू चेन लेंगे और फिर इसी चेन में हमने स्लिप स्टिच ले लेनी है। ठीक है, इस तरह से, और अब हम वन चेन लेके इस तरह से अपनी यान को निकाल लेंगे, और इस तरह से ये रेडी हो चुका है। ठीक है, और अब हम इस पर थोड़ा सा अपनी यान को लपेटेंगे इस तरह से। पहले हम इसको बैक साइड की यान को अच्छे से कवर करेंगे और फिर हम इस तरह से इसको लपेट लेंगे इस पर। ठीक है, ये देखें टू लेयर्स मैं इसकी ले लूँगी इस तरह से, देखें टू थ्री जो आपको बेहतर लगे। और इसको हम ये देखें ये दोनों साइड से हमारा थोड़ा सा बराबर नहीं था, तो हम पहले इसको बराबर कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, इस तरह से सेट किया इसको, अब हम इसको बैक साइड पे लेके एक नॉट बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से दोनों यान को पकड़ के अच्छे से नॉट बनाएंगे और फिर उसको हम बीच में लेके अच्छे से टाइट कर लेंगे इस तरह से, और फिर हम इसको एक्स्ट्रा यान को अपनी कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से, तो ये आप देख सकते हैं हमारे रेडी हो चुकी है वो। तो आप इसको ग्लू की मदद से दोनों साइड की यानों को साइड साइड में करके और इस तरह से इसको ग्लू की मदद से आप इसको अटैच कर लीजिए। बट अब यहाँ पे पहले हम आइस बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके लिए नॉट ली और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं किस तरह से आइस बना रही हूँ। तो हमारा जो थर्ड पार्ट था, ठीक है, सेकंड पार्ट जहाँ ख़त्म हुआ था उसके जो थर्ड पार्ट की बीच वाली लेयर थी उसमें मैं बना रही हूँ, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसका आप ख़ास ख्याल रख लीजिएगा, ठीक है, कि मैंने किस तरह से कौन से पॉइंट पे इसकी आइस बनाई है, क्योंकि ये जो एक्सप्लेन करना होता है ना, तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं एक्सप्लेन नहीं हो सकता, बट मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। जो हमारा सेकंड राउंड है उसके बाद वाला, ठीक है, उसके बाद की जो स्टार्टिंग की लेयर है, ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से ये मैंने बनाया, और इस पर भी हम यहाँ दूसरे साइड पे भी बना लेंगे, बट पहले यहाँ पे हम इस तरह से एक बैक साइड पर नॉट ले लेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से, तो ये हमारी फिर लूज़ नहीं होगी, इस तरह से आइस हमने बनाई। और अब यहाँ पे हम इसकी मूछें भी बना लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जहाँ पर मैंने आइस बनाई है उसकी बिल्कुल ऊपर की साइड थोड़ा सा मैं इस तरह से ले रही हूँ अपनी सुइंग को, और फिर मैंने सिंगल क्रोशिया का जो एंड था चेन का साइड उधर से निकाल लिया। फिर अगेन हम नेक्स्ट को नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के बीच में से मैंने निकाला, और फिर हम जो सिंगल क्रोशिया का स्टार्टिंग था उसमें हम इस तरह से ले लेंगे। फिर से हम दूसरे साइड से सिंगल क्रोशिया के निकालेंगे, और फिर हमने जो चेन वाला साइड है उधर से हम इसको निकालेंगे इसी तरीके से जैसे मैंने पहले नॉट लगाई थी, सेम ऐसे ही हम पहले बैक साइड पे कर लेंगे और दूसरे साइड पे भी ऐसे ही आइस क्रिएट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे इसकी नोज़ बनानी है, तो नोज़ के लिए यहाँ पे मैंने सिंपली एक नॉट ली येलो यान से। ठीक है, तो इस तरह नॉट लेने के बाद इस तरह सुई डालते हुए हम इस तरह से निकालेंगे, और ये हम टू सिंगल क्रोशिया को लेंगे इसमें कवर करेंगे। ठीक है, इस तरह से, और फिर से अगेन हम इसमें ही डालेंगे। ठीक है, आप एक लेयर भी ले सकते हैं, बट मुझे टू लेयर्स अच्छी लगी। तो इस तरह से मैंने इसको अगेन सेम प्रोसेस पे मैंने दोबारा से ऐसे किया, और ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा फाइनल लुक है। तो फाइनल लुक तो खैर अभी बाकी है, बट यहाँ पे हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, और अब हम इसको भी बैक साइड पे इस तरह से नॉट ले लेंगे। ठीक है,
तो अगर आप चाहें तो इसको ग्लू की मदद से भी अटैच कर सकते हैं, बट ग्लू अच्छा नहीं लगेगा और वो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो अब हमने ये देख सकते हैं आप, इस तरह से किटी को भी हमने रेडी कर लिया है वो लगा के। अब हम इसको शूज़ पे सेट करेंगे। तो शूज़ पे सेट करने के लिए आप देख सकते हैं बो का साइड आपको बटन वाले साइड पर रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहले ऊपर से इसमें इस तरह से अपनी सुई डाली है। ये देखें पिन को जो है हम पहले पिनों से इसको सेट करेंगे अच्छे से। आप दूसरी छोटी पिनों से भी कर सकते हैं, बट जो मेरे पास अवेलेबल थी मैंने उसी से ही इसको कवर किया, ठीक है। इस तरह से पहले मैं अच्छे से इसको सेट करूँगी, ये देखें। और इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे और इसके एयर्स को हम जो है छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको स्ट्रिच कर सकते हैं, बट मुझे ये विदाउट स्ट्रिच अच्छे लगे तो मैंने इसको छोड़ दिया। और अब हम यहाँ पर इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से यान मैंने ली और यहाँ पे एक नॉट क्रिएट कर ली थी। और अब हम यहाँ पर ये देखें जो हमारे कान एयर हैं, ठीक है, किटी के एयर्स हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चेन नज़र आ रही है उसमें हम इस तरह से अपनी यान को डालेंगे, ठीक है, सुई को, और इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। स्ट्रैप को हम निकाल लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मसला करेंगे इसमें, क्योंकि सुइयाँ भी लगी हुई हैं तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, बट इजीली हो जाएगा ये। तो इस तरह से हम डालेंगे और एक नेक्स्ट चेन में से इस तरह से सुई निकालेंगे, ठीक है, इस तरह। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा बट इजीली ये हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको देखने में लगेगा। बाकी ये बहुत ही ईजी शूज़ है, आपको जैसे मैंने बताया सेम यही प्रोसेस करते हुए आप बनाएंगे तो ये साइज़ इंशाल्लाह आपका इसी तरीके से बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको स्ट्रिच करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो इस तरह लास्ट तक मैं इसको एयर तक कर लेती हूँ, ये देखें इस तरह यहाँ मैंने किया। और अब हम यहाँ पे मैं इसको बैक साइड पे निकालूंगी यान को, ये देखें इस तरह से। और अब हमने यहाँ पे ये जो हमारे एयर का दूसरे साइड है, ठीक है, एयर को हम छोड़ देंगे और यहाँ पे हम इस पिन को भी निकालेंगे और इसको हम अच्छे से सेट करेंगे, ये देखें। और इसके बाद ये देखें इसको मैं स्विंग को लूँगी, ये देखें इस तरह से मैं एयर का जो कॉर्नर है उसके बाद की जो हमारी चेन्स हैं उसमें हम इस तरह से डालेंगे अपनी स्विंग को, ये देखें इस तरह से डालेंगे। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था तो इस तरह से मैंने निकाल लिया क्योंकि ये खुला हुआ साइड था, इजीली हमारा हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हमने किया, ठीक है, सुई की मदद से यहाँ हम इसको स्टिच कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे हम इसको फिर आप चाहें तो इधर ही इसको एक फंदा लगा सकते हैं, पर मैं इसको बैक साइड पे निकालूंगी, ठीक है, ये देखें इस तरह से बैक साइड पे मैंने पहले इसको निकाला और अब मैं इसको थोड़ा सा अंदर से फंदा लगाऊंगी, ये देखें इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा निकालूंगी बैक साइड को, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको इस तरह से एक इस तरह से फंदा लगा लूँगी, ये देखें। और अब मैं इसको ईजीली अपने यहाँ से निकाल लूँगी फ्रंट साइड पे इस यहाँ से स्विंग को, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइट करते हुए यान को ऊपर निकालते हुए कर लेंगे इस यहाँ से कट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा फाइनल लुक है। और अब यहाँ स्ट्रैप भी लगा लेते हैं। अगर आप फाइनल लुक ये रखना चाहते हैं तो आप ये भी रख सकते हैं, ठीक है, बट मैं इसमें ये छोटी सी किनारी जो हमने शूज़ की ऐड की थी तो वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। ये देखें ये किनारी भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, बट अगर ये आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो बैक लुक के हमने एक चेन्स नज़र आ रही है उसमें हम इस तरह से बनाएंगे अपनी यान को अटैच करते हुए, ये देखें इस तरह से। तो अगर ये स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा अलग लुक आ रहा था तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। इस तरह आप देख सकते हैं, ये देखें चेन में डाला हमने इस तरह से यान को निकाला और फिर इस तरीके से निकाल लिया, ठीक है। ये देखें टू लूप्स लेके फिर इस तरीके से निकालेंगे, फिर उसी क्रोशिया को हम इस तरह से डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये हम पूरा प्रोसेस अपना कंटिन्यू करेंगे, ये पूरा हम इसी तरीके से कवर कर लेंगे। अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह किया और अब हम इसको यान को ऊपर निकालेंगे, ठीक है, ये देखें ऊपर निकाला, इसको कट किया और अब हम इसमें सुई डालेंगे, ठीक है। और सुई डालने के बाद ये देखें इस तरह से हमने बैक साइड पे इसको अच्छे से
कवर कर लेना है, ठीक है। ये देखें इस, हाँ मैं सुई की मदद से इसको अच्छे से कवर करूँगी। ये देखें इस तरह से हम इसको अच्छे से लॉक करते हुए कवर कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा शूज़ ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। तो कैसा लगा आपको ये कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।